हेलो गाइस, आज मैं बात करूंगा स्टेडियम के बारे में। स्टेडियम की कुछ मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जो कि स्टेडियम में एनमी से फाइट लेने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज, मैं आपको पॉइंट नंबर वन बता देता हूँ। तो गाइज, अगर आप स्टेडियम पे उतर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टेडियम के रूफ पे ऊपर साइड उतरे, जहाँ पे ये ऊंची बिल्डिंग है। इससे होगा ये कि आप सारे एनमी आसानी से स्पॉट कर पाएंगे, प्लस आपके पास कवर भी रहेगा, जबकि एनमी के पास कोई इतना खास कवर नहीं रहेगा, क्योंकि उसे लूट करने के लिए खुले में तो आना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आप उन्हें आसानी से नॉक कर पाएंगे। प्लस अगर आपके पास फायर होता है तो आप प्रोन हो के कवर दे सकते हैं, या कि आप पीछे आ जाएंगे तो आपको काफ़ी कवर मिल जाएगा, आपको हाइट का एडवांटेज रहेगा, या फिर अगर आपकी लाइफ ज़्यादा डैमेज हो जाती है तो आप पीछे कूद के फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। तो चलिए गाइज, मैं आपको पॉइंट नंबर टू बता देता हूँ। तो गाइज, अगर आप स्टेडियम के रूफ पे हैं और अगर आपको फुटप्रिंट्स की आवाज़ें आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि सेकंड फ्लोर में काफ़ी एनमी है, तो ऐसे में स्टेयर से नीचे जाना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी होगी। तो ऐसे में 90% चांस है कि आपको एनमी बड़े आराम से स्पॉट कर लेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको करना ये है कि आपको जो ये स्टेडियम का ये नीचे जो छज्जा निकला हुआ दिख रहा है, आपको यहाँ पे कूद जाना है जहाँ से मैं कूदा हूँ। इससे होगा ये कि आपको दो कमरों का बराबर व्यू मिलेगा। अगर कोई एनमी इन रूम पे लूट कर रहा होगा या फिर कैंप कर रहा होगा, तो आप बड़े ही आसानी से ये नॉक कर लेंगे और वो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि यहाँ से भी कोई मार सकता है। जब तक मैं वो समझेगा तब तक आप उसे बड़े आसानी से नॉक कर चुके होंगे। यहाँ से आप आसानी से रूम के अंदर जा सकते हैं, प्लस आप दोबारा वहाँ पे आ भी सकते हैं। ये एक बहुत ही बेस्ट जगह है स्प्रे करने के लिए। और अगर आप सेकंड फ्लोर पे हैं तो आप इस पे जंप करके रूफ पे लोकेशन भी ले सकते हैं, एनमी को स्पॉट कर सकते हैं। प्लस आप अगर एनमी रूफ के किनारे है तो उसे आसानी से नॉक भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे भी कोई हो सकता है। चलिए मैं आपको एक लाइव डेमो दिखा देता हूँ। मेरे सामने वाले रूम पे एक एनमी है जो कि बैठा हुआ है, वेट कर रहा है मेरे आने का। अब ऐसे में करता मैं ये हूँ कि मैं डायरेक्ट सामने वाले रूम पे जाता हूँ और इस छज्जे पे फिर से चढ़ जाता हूँ, और यहाँ से हल्के आता हूँ मैं और अपनी SKS निकाल के इसे बड़े आसानी से किल कर देता हूँ, और इसे पता भी नहीं चलता। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको पॉइंट नंबर थ्री बता देता हूँ। तो गाइस, ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा काम आ जाती है। कई बार होता ये है कि हम यहाँ से एनमी को बड़े आसानी से स्पॉट कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं, बट उसके ऊपर हम फायरिंग नहीं कर पाते हैं इस वॉल की वजह से। तो ऐसे में हमें करना ये है कि यहाँ पे एक पीछे टेबल रखी हुई है, तो हमें सिंपली इसके ऊपर चढ़ जाना है, और अब हम यहाँ से आराम से फायरिंग करके एनमी को नॉक कर सकते हैं अगर वो हमारे रेंज में है। तो चलिए गाइस, मैं आपको पॉइंट नंबर फोर बता देता हूँ। तो गाइज, अगर आप स्विमिंग पूल वाली इस बिल्डिंग पे हैं और आप अगर बिल्कुल भी लड़ने के हालत में नहीं है, तो आपको सिंपली करना ये है कि आपको इस कॉर्नर वाली खिड़की पे आना है, और जहाँ से मैं कूद रहा हूँ यहाँ से आपको सिंपली कूद जाना है, और बस गाइज आप इस बिल्डिंग के छज्जे पे आ जाएंगे, और अब आपको एनमी का जाने का वेट करना है। वो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे स्पॉट नहीं कर पाएंगे, कोई चांस ही नहीं है, या फिर आप अगर उनकी साउंड से उनकी लोकेशन स्पॉट कर पाए तो सिंपली यहाँ से आप नीड मार दीजिए, वो नॉक हो जाएंगे। या फिर अगर आप उनकी लोकेशन स्पॉट नहीं कर पा रहे तो आप बस लेटे रहिए और उनके बाहर निकलने का वेट करिए, और जैसे ही वो बाहर आए तो उन्हें फायर करके नॉक कर दीजिए। वो बिल्कुल भी आपको स्पॉट नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि आप सारी स्क्वाड ऐसे वाइप कर दें और उनको आपकी लोकेशन भी ना पता चले। तो गाइज, अब मैं आपको पॉइंट नंबर फाइव बता देता हूँ। तो गाइज, अगर आप स्विमिंग पूल वाली बिल्डिंग पे हैं और अगर आप लड़ने के काबिल हैं, तो मैं आपको एक बेस्ट जगह बताने वाला हूँ जहाँ आप एक नंबर का तगड़ा स्प्रे दे सकते हो एनमी के ऊपर। तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्टेयर्स के ऊपर आना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से एनलॉग लेफ्ट की ओर करते हुए जंप कर जाना है यहाँ से, और यहाँ पे किनारे आके आपको आराम से बैठ जाना है, और बस आपको एनमी का वेट करना है, वो ढूंढते हुए आपको यहाँ पे जरूर आएगा, और जैसे हुआ है तो आपको उस पर उनके ऊपर तगड़ा स्प्रे करना है। आप एक या दो को तो बड़े आराम से नॉक ही कर देंगे, चाहे वो नीचे से आए या ऊपर से आए, जब तक वो आपको स्पॉट करेगा आप उनके एक या दो टीममेट्स को तो आराम से नॉक कर ही देंगे, और जैसे ही आपके उनके टीममेट्स आपको स्पॉट करते हैं आप तुरंत नीचे चले जाए और मूव एंड फायर करें। इस जगह एक ही जगह बिल्कुल ही टिक के मत रहे, नहीं तो आप आसानी से मार लेंगे वो आपको।
तो चलिए मैं आपको पॉइंट नंबर 6 बता देता हूँ। तो गाइज अगर आप स्विमिंग पूल वाली बिल्डिंग पे हैं और आप पे कोई स्क्वाड रश करने वाली है, तो पहले आप एक चीज़ मेक श्योर कर ले कि बाहर से मतलब ग्राउंड साइड से आपके ऊपर कोई एनिमी फायर नहीं कर रहा है। आपको बिल्डिंग के ऐसे किनारे चढ़ जाना है जैसे मैं चढ़ रहा हूँ, सिंपली आपको ऐसे आ जाना है। इसमें आपके पास एक तगड़ा कवर हो जाएगा, फिर जैसे ही एनिमी स्विमिंग पूल पे आए आप उनके ऊपर तगड़ा स्प्रे कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी स्पॉट नहीं कर पाएंगे कि आखिर फायरिंग कहाँ से हो रही है। तो इसे समझाने के लिए जैसे कि PUBG मोबाइल लाइट पे अपन लोग रूम तो क्रिएट कर सकते नहीं है, तो मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प ले रहा हूँ जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। बस गाइज इस वीडियो में इतना ही। मोर टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब किए। थैंक यू सो मच। Thank you.